हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिस्टी क्रिएटिव आइडिया चैनल। आज मैं आपको हेयर को ब्लैक करने का तरीका बताऊंगी। फ्रेंड्स, तो हमने लिया है एक लोहे का बर्तन। आप कोई भी कढ़ाई वगैरह ले सकते हो, बट वो लोहे की होनी चाहिए। इसमें हम ऐड करेंगे अपना आंवला पाउडर 2 टीस्पून। टीस्पून का मतलब फ्रेंड्स छोटी चम्मच होता है, बड़ी चम्मच नहीं। 2 चम्मच हमने आंवला पाउडर लिया है। इसके बाद हम 2 चम्मच ही इसमें ऐड करेंगे हिबिकस के फ्लावर का पाउडर, ये भी 2 चम्मच ही लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी नेहा मेहंदी। आप कोई भी ग्रीन मेहंदी ऐड कर सकते हैं, मैंने ली है नेहा मेहंदी। ये हम अपने बालों के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर आपको अपने हेयर को ब्लैक करना है तो आप पाउडर रूप में तो यूज़ कर ही रहे हैं, बट इसे लिक्विड फॉर्म में इसको पीजिए, या फिर जो साबुत आंवला आते हैं उसे अपने खाने में ऐड कीजिए, तभी आपके बालों को जड़ से काला फास्ट करेगा, तेजी से करेगा। तो 1 चम्मच हम इसमें आंवले का जूस भी ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें से पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि हम इसमें 2-3 चीजें और भी ऐड करेंगे जो पतली होंगी, पानी जैसी होंगी। तो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 8 से 10 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग इसे मैं अपने हेयर पर लगाकर अप्लाई कर आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट मॉर्निंग इसके किनारे किनारे आपको दिख रहा होगा कि ये ब्लैक ब्लैक सा हो गया है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें ऐड करेंगे, आप देख पा रहे हो कि ये अभी काफ़ी टाइट है, तो हम इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करेंगे। तो मैं इसमें डालूंगी टी ट्री ऑयल। आप कोई भी सेंसल ऑयल डाल सकते हैं, 2 बूंद बस, इससे ज़्यादा नहीं। इसेंसियल ऑयल हमारे बालों की रूट में जाकर उनको रीग्रोथ करने के लिए फास्टर करता है, तेज गति उसकी कर देता है। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, ये मेरे घर की बनी हुई दही है, तो मैं इसमें ऐड करूंगी 2 स्पून दही और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अगर हमें लगेगा कि ये थोड़ा थिक है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे मिक्स कर लिया है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ब्लैकिश ब्लैकिश आ गया है कलर, तो यही हमारे बालों में जाकर रूट से उनको ब्लैक कर देगा। जहां तक हम इसे अप्लाई करेंगे वहां तक हमारे बाल ब्लैक हो जाएंगे, बट एक बार करने से कुछ नहीं होता है। आपको ये मेहंदी 15-15 दिन के गैप के अंतर पर लगानी है, तभी आपके बालों पर इसका इफेक्ट आएगा। तो मैं इसे अपने हेयर में लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ। पतले पतले सेक्शन लेके हम अपने बालों में लगाते हैं। मेहंदी किस टाइप से लगाते हैं उसका फुल वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसे जितना मिक्स कर रही हूँ उतना ही नीचे की तरफ से ये ब्लैक ब्लैक निकल रहा है, और ये सारी हमारी जो मेहंदी है इसे ब्लैक कर रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने हेयर पर मेहंदी अप्लाई कर ली है अच्छे से। अब मैं इसे लगभग 1.5 से 2 घंटे रखूंगी और उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर दूंगी। शैम्पू नहीं करूंगी आज, नेक्स्ट दिन या 1-2 दिन के बाद मैं शैम्पू करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।